नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक पूर्णतः आधारित होने वाला है सपनों की श्रृंखला के अंतर्गत। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे दिव्य स्वप्न जो कि धन की कामना रखने वाले जनों के लिए बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे दिव्य स्वप्नों के बारे में जिनका दर्शन यदि आपको हो जाता है तो निसंदेह आप इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं कि निकट भविष्य में आपको बड़ा ही धन का अद्भुत लाभ होने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे दिव्य स्वप्न के बारे में जो कि यदि किसी भी जातक को, किसी भी साधक को अगर आता है तो आप निश्चित तौर पर यह मान लीजिएगा कि बहुत ही शीघ्र निकट भविष्य में आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। पहला स्वप्न आधारित है श्रद्धेय श्री नीप करोरी महाराज जी पर। जो भी लोग महाराज जी पर अपनी आस्था रखते हैं उनके लिए महाराज जी का स्वप्न आना भाग्योदय से कम नहीं है। यदि स्वप्न में आप श्रद्धेय श्री महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं तो आप यह पाइएगा कि बहुत बहुत शीघ्र आपके जीवन में हर कार्य सिद्ध होने वाला है, आपकी हर मनोकामना को बल मिलने वाला है और महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर आने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कि किस स्वरूप में महाराज जी का ये स्वप्न देखना बहुत शुभ होता है। स्वप्न में यदि आप स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं कि महाराज जी मुस्कुराते हुए आपको दर्शन दे रहे हैं, महाराज जी को आप बैठे अवस्था में, खड़े अवस्था में या तखत पर बैठे हुए देखते हैं, लेकिन यदि महाराज जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका यह स्वप्न पूरा हो गया कि महाराज जी से मिलने का, महाराज जी से जुड़ने का जो आप प्रयास कर रहे थे ये फलीभूत हो गया है। और महाराज जी के दर्शन करना ही इतना दिव्य होता है कि आप समझ लीजिएगा कि महाराज जी की कृपा तो आपके जीवन से आ गई है, आप भाग्यवान स्वयं को मान सकते हैं। दूसरा यह है कि यदि महाराज जी ही स्वप्न में दर्शन आपको दे दें और महाराज जी ही आपके जीवन में अवतरित हो जाएं तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकता। तो पहला तो यह भाग्यवर्धक स्वप्न यदि कोई भी जातक देख लेता है उसके जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद जुड़ के उसके जीवन में निश्चित तौर पर तरक्की होना, उसका भाग्योदय होना निश्चित हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे स्वप्न की ओर। दूसरा स्वप्न भी बड़ा भाग्यवर्धक होता है। दूसरा स्वप्न जो है वो पूरी तरह से आधारित है श्री हनुमान जी के ऊपर। जिस भी जातक को श्रद्धेय श्री हनुमान जी का स्वप्न यदि आता है, इसके दो स्वरूप होते हैं। आइए बात करते हैं पहले स्वरूप के लिए जो कि बहुत शुभ स्वप्न माना जाता है। यदि किसी भी भक्त को श्री हनुमान जी से संबंधित कोई स्वप्न आता है जिसमें श्री हनुमान जी आपको प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं, श्री हनुमान जी का विशाल शरीर आप देख पा रहे हैं और श्री हनुमान जी आपको बड़े ही दिव्य स्वरूप में यदि स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, स्वच्छ तौर पर आप ये देख पा रहे हैं, तो इस स्वप्न को भी बहुत बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिस भी भक्त को यह स्वप्न आता है ऐसे भक्त के जीवन में चल रहे सारे आर्थिक कष्ट या किसी भी प्रकार के कष्ट बड़ी शीघ्रता से उसके जीवन से ओझल होने वाले हैं। इस स्वप्न का सबसे पहला आशय यह है। दूसरा, ये स्वप्न उन लोगों को भी आता है जो कि काफी समय से बहुत ही मानसिक पीड़ा से जूझ रहे थे, जिनके जीवन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि जीवन नर्क के समान हो गया था। और ऐसे में यदि किसी भक्त को श्री हनुमान जी का स्वप्न आता है तो यह श्री हनुमान जी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, सत्य के मार्ग पर चलते रहें, ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहें, जीत आपकी अवश्य होगी। इस स्वप्न का अर्थ यह पूरी तरह से माना जाता है। इसके साथ साथ एक चीज आप सबको और जान लेनी चाहिए कि इस स्वप्न के अंतर्गत श्री हनुमान जी आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानी आपकी चल रही है, बहुत बहुत शीघ्रता से ये सारी दिक्कतें आपके जीवन से दूर होकर एक अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। बात कर लेते हैं तीसरे उस स्वप्न के लिए जो कि आपके जीवन से हर संकट को दूर करने में समर्थवान होता है। तीसरा स्वप्न होता है प्रभु श्री राम जी के दर्शन। जिन भी अनन्य भक्तों को प्रभु श्री राम जी के स्वप्न में यदि दर्शन हो जाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में समझ लीजिएगा
कि चारों दिशाओं से एक ऐसी विकास की लहर, एक ऐसे जीवन के परिवर्तन की लहर जो है उमड़ के आ जाती है। ऐसे भक्त का जीवन बहुत बहुत तीव्रता से परिवर्तित होता है। ज्यादातर जो भी लोग प्रभु श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, अगर उन्हें श्री राम जी के दर्शन हो जाएं, या यूं कहा जाए कि किसी भी जन को यदि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाते हैं प्रसन्न मुद्रा में, या ऐसे कि आपको आशीर्वाद देते हुए श्री राम जी अगर स्वप्न में दिख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि ये जीवन का वो समय है जहां से आपके सारे कष्टों का निवारण आपको मिलने वाला है। और जिस भी भक्त के जीवन में प्रभु श्री राम जी के यदि दर्शन हो जाते हैं, ऐसे भक्त के जीवन का उद्धार होना 100% तय है। ऐसे भक्त को स्वयं को भाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग प्रभु श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, उनके दर्शन के लिए ललायित होते हैं। और ऐसे में यदि आपको श्री राम जी के दर्शन हो जाएं स्वप्न के माध्यम से, समझ लीजिएगा कि भाग्य के बदलने का समय आ गया है, बुरे समय का अंत होने वाला है और नए समय की, एक नए नव जीवन की शुरुआत आपके साथ होने वाली है। बात कर लेते हैं चौथे स्वप्न के विषय में। चौथा स्वप्न भी बहुत अद्भुत स्वप्न है। चौथे स्वप्न के अंतर्गत यदि आप देख पा रहे हैं कि स्वप्न में आपको आपके पितर देवता दर्शन दे रहे हैं, तो यह मान लीजिएगा कि यह भी ईश्वर के दर्शन करने के समान ही है, क्योंकि जो पितृ देवता होते हैं उसी प्रकार से पूजनीय होते हैं जैसे कि हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। इसीलिए पितृ देवताओं का स्वप्न में दिखना, प्रसन्न मुद्रा में दिखना और आपको आशीर्वाद देते हुए दिखना भी ईश्वर के दर्शन के बराबर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में उसके पितृ देवता उससे प्रसन्न है, ऐसे भक्त के ऊपर ईश्वर की कृपा के समान आशीर्वाद बरसता है। ऐसे भक्त को जीवन में कभी भी दुख देखने को नहीं मिलता। ऐसे भक्त के सारे कष्ट पितृ देवताओं के आशीर्वाद से कट जाते हैं। और ऐसे में यदि आपको अपने पितृ देवता का बहुत ही शुभ स्वप्न आता है, तो आपको हमेशा ये चाहिए कि जीवन के हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले जिस प्रकार से आप अपने गुरुजनों से अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने इष्ट देवताओं को भी पूजित करना प्रारंभ करना चाहिए। और ये नियम बना लेना चाहिए कि जीवन के हर पग पर अपने पितृ देवताओं का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और कुल मिलाकर ये स्वप्न बहुत ही सकारात्मक है। बात कर लेते हैं अगले स्वप्न की। अगला स्वप्न कहता है कि यदि आपको स्वप्न में गौ माता के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत बहुत शुभ और बहुत ही भाग्यशाली स्वप्न माना जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं कि स्वप्न में बहुत स्वच्छ तौर पर आप देख रहे हैं कि काली गाय या सफेद गाय आपको स्वप्न में दर्शन दे रही है, आपसे भोजन की गुहार कर रही है, और स्वप्न में आप देख पा रहे हैं कि अपने हाथों से आप गौ माता को भोजन प्रसाद खिला रहे हैं, तो जीवन में इससे अच्छा स्वप्न नहीं हो सकता, क्योंकि गौ माता में भी ईश्वर का वास माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि करोड़ों देवी देवताओं का वास गौ माता के अंतर्गत होता है। अगर आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, आप उनको भोजन खिला रहे हैं, या अच्छे स्वरूप में, किसी भी अच्छे स्वरूप में आपको गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही भाग्यवर्धक स्वप्न है। आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपका भाग्य चारों दिशाओं से आपके लिए अच्छी सूचनाएं लेकर आएगा और आपके जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होना निश्चित है। ये बहुत शुभ स्वप्नों की श्रेणी में आता है, बल्कि यूं कहा जाए कि उच्चतम श्रेणी का यह स्वप्न है। यदि किसी भी भक्त को, किसी भी जातक को यह स्वप्न दिखता है, तो अगले दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भोजन का जो भाग है वो गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे आपको गौ माता का अत्यंत आशीर्वाद मिलके आपके जीवन में एक नई दिशा की ओर आपका जीवन चल पड़ता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे वो कुछ ऐसे संकेत, वो स्वप्न जो कि यदि आप स्वप्न में इनका अनुभव कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलावों को आप आकर्षित करते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।